ये मोदी की बात नहीं होगी, मुद्दे की बात होगी। और अभी क्या करेंगे मुख्यमंत्री जी, क्योंकि वो जाते हैं तो 400 नहीं 4000 सीट जितवाते हैं। भाजपा नहीं चाह रहे कि वो कहीं प्रचार में जाए, भाषण दे, कहीं उल्टा सुल्टा बयान दे दे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सीरीज, मैं हूँ आपके साथ रोहित। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और ऐसे में देखिए तमाम जो सियासी पार्टियां हैं वो कहीं ना कहीं तैयारियों में जुट गई है, नेताओं के द्वारा चुनाव प्रचार किया जा रहा है। देखिए आज इसी कड़ी में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बाई रोड नवादा निकले हैं और नवादा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रोड शो करेंगे। अब देखिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के रोड शो को लेकर जब सवाल पूछा गया नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से और वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी से, तो तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी खूब भड़क गए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर और साफ साफ कह रहे कि बीजेपी के द्वारा नीतीश कुमार को चुनाव प्रचार करने से रोका जा रहा है, ये दुर्भाग्य की बात है। और नीतीश कुमार अनाप शनाप बोलते हैं। तेजस्वी यादव ये भी कह रहे हैं कि अब मोदी की बात नहीं मुद्दे की बात होगी। सबसे पहले आप तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी दोनों नेताओं का बयान सुनिए, क्या कुछ कहना है। बहुत दिनों बाद देखे कि रोड शो कर रहे हैं, इन कारणों की वजह से रोड शो पे भेजा जा रहा है ये हम सब लोग जान रहे हैं। हालांकि ज्यादा इस पे टिप्पा टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है, लोग जो है यही कहेंगे कि भाई प्रचार कर रहे हैं, हर किसी को अधिकार रोड शो करने का, सभा में जाने का। तो हम लोग देख रहे हैं बुजुर्ग हो गए हैं और कुछ लोग नहीं चाहते हैं कि वो भाषण वगैरह जो है वो दें, इस वजह से अब रोड शो पर भेजा जा रहा है तो अच्छी बात है। भ्रष्टाचारियों को डर क्यों लगता है पता नहीं चल रहा है, प्रधानमंत्री ने कहा किसी भ्रष्टाचारी को डर क्यों लगता है। आप लोगों को समझना पड़ेगा कि मुद्दे की बात नहीं कर रहे हैं। हमारे बिहार की समस्याओं के बारे में जिक्र किया है, बिहार के किसानों के बारे में जिक्र किया है, बिहार के नौजवानों के बारे में जिक्र किया है, बिहार में पलायन के बारे में जिक्र किया है, बिहार को विशेष राज्य का दर्जे के बारे में जिक्र किया है। कुछ मीडिया चैनल हैं सच्चाई नहीं बताएंगे। 10 साल से है ना प्रधानमंत्री, 14 में क्या कहा था, 2 करोड़ रोजगार देंगे, कितना दिया पूछे आप, 15 लाख खाते में आ रहा था पूछे आप, स्मार्ट सिटी का क्या हुआ, गंगा सफाई अभियान का क्या हुआ, कौन सी ऐसी योजना है जिससे जो है ये बिहार की तरक्की करेंगे, बिहार का विकास करेंगे। मेरा मानना है कि क्षेत्रीय मुद्दे जो है वो ज़्यादा हावी है और जब तक गाँव का विकास नहीं होगा तब तक देश का विकास नहीं हो सकता। देश की आत्मा गाँव में बसती है और लोकतंत्र की आत्मा जो है क्षेत्रीय दलों में बसती है। क्षेत्रीय दल समस्या क्षेत्र की जानते हैं, तो ये पूरा चुनाव जो है क्षेत्रीय मुद्दे पर ही होगा और क्षेत्र मुद्दे पे होगा तभी जो है विकास की जा सकती है, संभव है। तो प्रधानमंत्री जी तो क्या क्या कहते हैं, बाद में अमित शाह आएंगे कह देंगे कि जुमला था, तो क्या क्या बातें जो है वो लोग कहें इससे कोई फर्क पड़ने वाला है क्या। मीसा भारती जी ने तो जिस हिसाब से कोई बयान दे नहीं दे इसका बात नहीं, आज देश के लोकतंत्र संविधान को खत्म करने की दवाई चल रही है और कई बार संविधान खत्म करने की बात बीजेपी के नेताओं ने कही। आप लोगों ने सवाल दिखाया, आप लोगों ने डिबेट कराया कि बीजेपी के लोग खुल के कह रहे हैं, बिहार में कहा, राजस्थान में कहा, साउथ इंडिया में कहा, लेकिन कहीं कोई दिखाया। इतनी बड़ी बात कह रहे हैं कि देश के संविधान को खत्म कर देंगे भाजपा के नेता, हमने वीडियो रिलीज किया, वो फर्ज किसका बनता था, आप लोगों का बनता था। लेकिन एक तरफ समझना पड़ेगा कि जांच एजेंसी या संवैधानिक संस्थाएं हाईजैक हो चुकी है, कोई ईमानदारी से काम कर रहा है क्या। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आप लोगों ने सुनी है कि नहीं सुनी है, या फिर से याद दिलाना पड़ेगा। तो आप लोग वही बात, ये मोदी की बात नहीं होगी, मुद्दे की बात होगी। कुछ मुद्दा है ये हमारे लिए बहुत दुखद है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी
इतने वरिष्ठ नेता है, उनको भाजपा के द्वारा मना कर दिया गया कि आप रैली में मत आइए, रैली में भाषण मत कीजिए, आप डायरेक्ट रोड शो हाथ हिला दीजिए, ये लगता है कि सही नहीं है। और अभी क्या करेंगे मुख्यमंत्री जी, क्योंकि वो जाते हैं तो 400 नहीं 4000 सीट जितवाते हैं, तो कहीं ना कहीं भाजपा नहीं चाह रहे कि वो कहीं प्रचार में जाए, भाषण दे, कहीं उल्टा सुल्टा बयान दे दे, जैसे विधानसभा में विधान परिषद में बयान दे दिए, तो वो नहीं चाहते कि कुछ ऐसा बयान दे जो भाजपा को एनडीए को नुकसान हो, इसलिए मुख्यमंत्री जी से रोड शो करा रहे हैं। बताइए, इतना गर्मी का समय है, इतना धूप का समय है, जनता को भी रोड पर उतारेंगे, खुद भी रोड पर उतरेंगे, और इतना उम्र हो चुका है, तो मैं तो मुख्यमंत्री जी से आग्रह करता हूँ कि आप रोड पर ना उतरे, मंच मिले तो वहाँ भाषण कीजिए, अन्यथा आप घर पे रहिए, आराम कीजिए, स्वस्थ रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी आपने देखा जो नेता प्रतिपक्ष है तेजस्वी यादव और वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी चुनावी प्रचार में लग गए। और ऐसे में देखिए, पटना एयरपोर्ट से जब वो चुनावी प्रचार के लिए निकल रहे थे, तो जिस तरीके से आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बाई रोड नवादा निकले, नवादा में रोड शो करेंगे, जब इसको लेकर सवाल पूछा गया तेजस्वी यादव खूब भड़क गए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर, और कह रहे हैं कि काफ़ी लंबे अरसे के बाद वो रोड से निकले हैं, दौरा करने निकले, ये खुशी की बात है। लेकिन ये भी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को कुछ लोगों के द्वारा चुनाव प्रचार करने से रोका जा रहा है, ये दुर्भाग्य की बात है, क्योंकि वो अनाप शनाप बोलने लगते हैं। तेजस्वी यादव ये भी कहते नजर आ रहे हैं, और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी खूब बरस रहे हैं, और कह रहे हैं कि अब जो मोदी जी जो बिहार में आ रहे हैं, दौरा कर रहे हैं, तो वो जो वादा किए थे उन वादाओं के बारे में वो क्यों नहीं बात कर रहे थे, जो रोजगार देने की बातें कर रहे थे फिर रोजगार के बारे में वो क्यों नहीं बात कर रहे। तेजस्वी यादव साफ साफ कह रहे हैं कि जो इस बार जो चुनाव हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ मुद्दे की बात होगी, मोदी की बात हुई होगी। तो वहीं आपको बताते चले कि जो वीआईपी सुप्रीमो है मुकेश सहनी, वो भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर खूब भड़क गए, और साफ साफ कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को जानबूझकर बीजेपी के द्वारा चुनाव प्रचार करने से रोका जा रहा है, इसीलिए उनको बाई रोड जाना पड़ा। मुकेश सहनी ये भी कहते नज़र आ रहे हैं कि नीतीश कुमार बूढ़े हो चुके हैं, बुजुर्ग हो चुके हैं, उनको आराम करने की ज़रूरत है, लेकिन इस चिलचिलाती धूप में भी भाजपा ने उनको मजबूर किया रोड शो करने के लिए। तो कहीं ना कहीं मुकेश सहनी ये भी कहते नज़र आ रहे हैं कि नीतीश कुमार अनाप शनाप भी बोलते हैं, 400 सीट जिताने की बात बोला जाता है तो वो 4000 की बातें करते हैं। आपको बता दें कि एक जनसभा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 400 सीट के बदले 4000 सीट की बात की थी, इसको लेकर भी मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव ने तंज कसते हुए साफ साफ कह दिया है कि अनाप शनाप भी बोलने लगे हैं, 400 सीट बोलना चाहिए था तो 4000 सीट बोलने लगे। तो कहीं ना कहीं आपको बताते चले कि अगर जो लोकसभा का चुनाव है उसका बिगुल बज चुका है, और ऐसे में देखिए तमाम जो सियासी पार्टियां हैं वो कहीं ना कहीं तैयारियों में जुट गई है। और देखिए आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी बाई रोड यानी कि रोड से निकले हैं, नवादा में रोड शो करेंगे। अब देखिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के रोड शो को लेकर जो सियासत है वो तेज हो गई है, ऐसे में देखिए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी ने तंज कसते हुए कह दिया कि ये दुख की बात है कि नीतीश कुमार बड़े नेता हैं, लेकिन उसके बावजूद भी भाजपा के द्वारा उनको चुनावी प्रचार करने से रोका जा रहा है, जिसके चलते मजबूरन नीतीश कुमार रोड से इस चिलचिलाती धूप में भी निकले। उनका ये भी कहना है कि नीतीश कुमार अनाप शनाप भी बोलने लगे हैं, 400 बोलना है तो 4000 बोल रहे हैं। और भी क्या कुछ कहना था नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का और वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी का, आपने दोनों नेताओं का बयान सुना। बस इसी तरह की तमाम खबरों के साथ मेरे साथ जुड़े रहे, तब तक धन्यवाद।